Assalamu alaikum students, this is Abdul Mohid Mir. I will teach you 9th class mathematics. Today our topic is linear equations and inequalities. जो आज की exercise है exercise 7.3, उसको हम solve करने जा रहे हैं. So exercise 7.3 में जो question number 1 है वो है solve the following inequalities. Solve means again unknown हमने find करना, जो भी given question होगा उसमें जो unknown होगा means x या y जो भी variable given होगा हम वो find करेंगे. But उसको find करने से पहले हम ये देख लें कि इनइक्वालिटीज़ किन को बोलते हैं और इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं. ठीक है, सो सबसे पहले हम इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे. इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं? इनइक्वालिटीज़ से पहले अगर हम ये देख लें कि इक्वालिटीज़ क्या होती हैं, जब हमने दो नंबर्स को इक्वल बताना होता है, लेट्स सपोज के 5 and 5 बोथ आर इक्वल, तो मैं दरमियान में इक्वालिटी का साइन डाल दूंगा. तो जब भी हमने दो नंबर्स को इक्वल बताना होता है तो हम वहाँ इक्वालिटी का साइन यूज़ करते हैं. ठीक है, सिमिलरली इसी तरह हमारे पास इनइक्वालिटीज़ भी होती हैं. इनइक्वालिटीज़ क्या है, ये मैंने सिंबल लिख दिए हैं. ठीक है, ये जो सिंबल है इसको ग्रेटर बोलते हैं. ठीक है, ग्रेटर देन, सिमिलरली ये जो सिंबल है इसको हम लेस देन बोलते हैं. ये जो सिंबल है जिसके नीचे एक लाइन भी लगी है, ऊपर जो सिंबल है ये ग्रेटर का है और जब नीचे लाइन लग जाए तो उसको कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल, यानी कि ग्रेटर भी है या इक्वल भी हो सकता है. सिमिलरली ये लेस देन है और साथ में इसके नीचे इक्वल का साइन, मीन्स के नीचे जो लाइन लगी है उसका मतलब ये है कि लेस देन और इक्वल, मींस कि या तो ये लेस होगा या इक्वल होगा. ठीक है, ये इसके सिंबल्स हैं. अब यूज़ कहाँ होते हैं, एग्जांपल के तौर पर ये देख लें, मैंने ये कुछ इक्वेशंस लिखी हैं, लीनियर फैक्टर्स लिखे हैं. ठीक है, फॉर सपोज ये जिस तरह फैक्टर लिखा है मैंने, इसके दरमियान में यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है वो ग्रेटर देन का साइन सिंबल है. ठीक है, तो 2x+1 इज ग्रेटर देन 2. यहाँ से हमें पता क्या चलता है कि जो 2x+1 है, जो फैक्टर है, ये 2 से ग्रेटर है. वो कैसे ग्रेटर है, जब हम इस साइड को, इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे या जो अननोन है इसको सॉल्व करेंगे, इस साइड में जब लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा. किससे, 2 से. ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है. इसी तरह जो सेकंड आपके पास जो फैक्टर है उसमें क्या है, लेस देन का साइन है. इसका क्या मतलब है कि इस फैक्टर को जब हम सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वो इस 3 से छोटा आएगा, स्मॉलर आएगा. ठीक है, इस 3 से कम होगा. 2x-1 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 से कोई कम आंसर आएगा. ये लेस देन का साइन जो है ये शो करता है. इसी तरह अगर नेक्स्ट, अगर हम एक और इनइक्वालिटी यहाँ पर यूज हुई है वो देख लें, वो क्या है, ग्रेटर और इक्वल. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, या तो यहाँ जब हम इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे जो एक्स का आंसर आएगा, सॉरी इस साइड को जब हम सॉल्व करेंगे इसका जो आंसर आएगा, इस साइड का आंसर, या तो वो इस 6 से ग्रेटर होगा और या वो इक्वल होगा. ठीक है, इसमें दो कंडीशन है ना, या ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा. तो इट्स मीन कि इस साइड पे जो आंसर आएगा या तो वो 6 आएगा या 6 से कोई ग्रेटर आंसर होगा. ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट जो फैक्टर वो लिखा है x-3 <= 1, इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट साइड पे जब हम सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इस 1 से या तो स्मॉलर होगा और या लेस देन होगा या इक्वल टू होगा, या तो यहाँ पर आंसर 1 आएगा या 1 से कोई स्मॉलर आंसर आएगा. ठीक है, तो ये इनइक्वालिटीज तब हम यूज़ करते हैं जब हमने ये बताना हो कि बोथ साइड पे, जिस तरह आप ये फ़र्ज़ कर लें कि मैंने ऐसे लिखना हो कि 3 और 2, मैंने ये बताना है कि 3 जो है वो 2 से बड़ा है, तो मैं कौन सा सिंबल यूज़ करूँगा, ग्रेटर देन का. 3 is > 2. अगर मैंने ये बताना हो कि 2 और 3, यानी कि मैंने ये बताना है कि 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो मैं कौन सा सिंबल यूज़ करूँगा, लेस देन का. तो मैं लिख लूँगा 2 is > 3. तो ये था इनइक्वालिटीज़ का कुछ एक्सप्लेनेशन थी इनइक्वालिटीज़ की. आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे, आई होप कि आप समझ गए होंगे. और अगर फिर भी कोई कहीं पे कोई कन्फ्यूजन रह गई तो कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट स्टेप हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देन वहाँ से आपकी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी. सो चलते हैं एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. सो अब है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट. अब आपके पास जो इनइक्वालिटी वाले जो क्वेश्चन है, इसमें आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, वो ये कि ये जो एक्स वाली टर्म है, जो भी एक्स वाली टर्म होगी उसको हमेशा आपने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है. ठीक है, जो भी एक्स वाली जो एक्स वाली टर्म होगी राइट साइड पर, उसको हमेशा आपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है. वो इसलिए इनइक्वालिटीज़ में ये आपने लाजमी करना है. बाकी जिस हम पहले क्वेश्चंस करते थे जिसमें लीनियर फैक्टर्स गिवन है या कोई भी इक्वेशन गिवन है, उसमें इक्वालिटी का साइन होता है, उसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो उसमें कोई इशू नहीं होता. आप बेशक एक्स वाली टर्म को इधर शिफ्ट करें या इधर शिफ्ट करें, उसमें कोई इशू नहीं होता. इनइक्वालिटीज़ वाले क्वेश्चन होंगे उसमें हमेशा आपने एक्स को बस इस साइड पर शिफ्ट करना है. तो मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, 3x 5x+ और इधर आकर -5x हो जाएगा, लेस देन, यहाँ -4 है + 1 पर जाकर -1 हो जाएगा. ठीक है, तो 3x - 5x दोनों को अगर हम माइनस करें तो ये आ जाएगा -2x, लेस देन -4 - +-5
एक्स फाइंड करना है यहाँ पर। अच्छा एक और बात याद रखनी है कि एक्स के साथ माइनस टू मल्टीप्लायर है, कॉफिशियंट जब मैं उस साइड पर डिवाइड करूँगा माइनस में रिटर्न, मतलब ये माइनस वाला जो कॉफिशियंट अगर डिवाइड करूँगा तो ये इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगी, ये माइनस फाइव बाई माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, जो सोल्यूशन आएगा वो एक्स ग्रेटर देन फाइव बाई टू। इसको जब मैं सोल्यूशन सेट में लिखूंगा तो वो कैसे लिखूंगा, सोल्यूशन सेट में इसके लिखेंगे ऐसे, सोल्यूशन सेट इज x सच दैट x ग्रेटर देन 5 बाई टू। तो इसका जो मेथड है सोल्यूशन सेट लिखने का वो ये है कि x इस जो लाइन है इस बार को हम कहते हैं सच दैट x ग्रेटर देन 5 बाई टू, इसको ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, सो ये इसका सोल्यूशन सेट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन के सेकेंड पार्ट की तरफ। सो अब क्वेश्चन नंबर वन का सेकेंड पार्ट अगेन वैसे ही करेंगे हम इसको भी कि इसमें जो x वाली टर्म है वो है 21x, उसको मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूंगा, 4x माइनस 21x लेस आर इक्वल टू माइनस 1.8, और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो है माइनस 10.3, वहाँ जाकर प्लस 10.3 पे जाएगा। 4x माइनस 21x प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू जो है वो 21 है, उसके साथ साइन माइनस का तो माइनस आ जाएगा, 21 में से 4 माइनस करें तो 17x आता है। सिमिलरली लेस देन इक्वल टू 10.3 माइनस 1.8 प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू से साइन प्लस क्या प्लस आएगा, जब इन दोनों को मैं माइनस करूंगा तो आंसर इज 8.5। मैंने एक्स वाली टर्म फाइंड करनी है और साथ ही जो माइनस 17 कॉफिशियंट है इसका वो मल्टीप्लायर है, जब माइनस वाली टर्म डिवाइड होगी कॉफिशियंट डिवाइड होगा राइट साइड पे तो जो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 8.5 डिवाइडेड बाई माइनस 17। सो एक्स ग्रेटर देन 8.5 डिवाइडेड बाई 17 हमारे पास होता है माइनस 0.5। ठीक है, सो ये था x ग्रेटर देन 0.5। अब मैं इसको सॉल्यूशन सेट में लिख देता हूँ, सॉल्यूशन सेट क्या होगा इसका, x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 0.5, ये इसका सॉल्यूशन सेट है। सो ये था क्वेश्चन नंबर वन का सेकेंड पार्ट जो कि बहुत ही ईजी था, ये बड़े आसान से क्वेश्चन है, इंशाल्लाह आप एक दफा इनकी प्रैक्टिस करेंगे देन आपको मजा आएगा। सो चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर वन के थर्ड पार्ट की तरफ। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन का थर्ड पार्ट। वन के थर्ड पार्ट में देखें डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं यानी कि फ्रैक्शंस में वैल्यूज आ रही हैं और साथ में प्लस या माइनस के जब भी साइन होते हैं फ्रैक्शन में कोई क्वेश्चन गिवन हो तो हमेशा एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर दो ही डिनोमिनेटर हैं, एक है 1/2 मीन्स एक डिनोमिनेटर 2 और एक 4 है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर्स अगर हम इनका एलसीएम लें 4 और 2 का तो एलसीएम 4 आता है, जो भी एलसीएम आएगा उसको आपने इन तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो एलसीएम अगर 4 आता है तो मैं उसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4, वी गेट जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 एक्स आ जाएगा। अब जहां यहां पर डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो रहे हैं आप उनको कैंसिल कर दें, ये 2 2 2 4 होता है ये कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी टर्म्स बच गई हैं उनको आप मल्टीप्लाई करवा दें, ये 4 और ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बन जाएगा 16 माइनस यहाँ 2 बच गया, 2 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 28 प्लस 4 इंटू 4 तो कैंसिल हो गए तो यहाँ जस्ट x बच गया तो x आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन जिस तरह प्रीवियस हमने पार्ट्स किए हैं वैसा बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे, x वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, 2x प्लस एक्स है तो इधर आकर माइनस एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस 28 और ये प्लस 16 है वहाँ जाकर माइनस 16 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस एक्स का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, 2 में 1 ऐड करूँगा तो 3x बन जाएगा और माइनस बड़ी वैल्यू से साइन माइनस आ जाएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस और माइनस अगेन प्लस बड़ी वैल्यू से साइन माइनस का तो माइनस आएगा, तो 28 में 16 को अगर मैं ऐड करूँ तो आंसर आता है 44। ठीक है, अब देखिए मैंने x फाइंड कर रहे हैं और माइनस 3 जो कॉफिशेंट है वो मल्टीप्लाई माइनस वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको राइट साइड पे डिवाइड करूंगा तो ये जो इनइक्वालिटी है चेंज हो जाएगी रिवर्स हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 44 ओवर माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे तो जो रिमेनिंग टर्म आएगी वो आएगी 44 ओवर 3। सो ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, अब हम इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इज x सच दैट x लेस आर इक्वल टू 44 ओवर
थ्री, ठीक है। सो ये इसका सोल्यूशन सेट था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, वन का थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो चुका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन के फोर्थ पार्ट की तरफ। सो अब है क्वेश्चन नंबर वन का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर वन के फोर्थ पार्ट में अगेन वही, आप सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मीन्स कि यहाँ पर ये ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ये मिक्स नंबर को गिवन है, तो इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके और देन उसका एलसीएम लेके फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर एक्स माइनस, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगा ब्रैकेट ओपन जब करेंगे, माइनस टू को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो माइनस टू को जब फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा साइन चेंज हो जाएगा, प्लस टू को मल्टीप्लाई टू से करें तो फोर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस। अब मिक्स नंबर जो होल नंबर्स होते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर को हमेशा इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो टू को थ्री से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो सिक्स, और सिक्स में न्यूमिनेटर को ऐड करेंगे तो सिक्स प्लस वन सेवन, सेवन बाई टू आ जाएगा। अब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। सो इसको फ्रैक्शन से अब इस डिनोमिनेटर को मैंने खत्म करना है, इसको एलिमिनेट करना है, तो कैसे करूंगा, एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम क्या आएगा, और तो कोई डिनोमिनेटर नहीं है, जस्ट ये टू है तो इट्स मीन टू ही एलसीएम होगा। उस टू को मैं थ्रू आउट इन तमाम टर्म्स के साथ टू को मल्टीप्लाई करवाऊंगा सबके साथ, तो यहां लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय टू वी गेट, ठीक है। तो टू को आप बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा लें तो यह आ जाएगा टू एक्स एज इट इज माइनस टू मल्टीप्लाई बाय टेन प्लस टू मल्टीप्लाई बाय फोर एक्स ग्रेटर देन एन इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाय सिक्स एक्स एंड माइनस टू मल्टीप्लाई बाय सेवन बाई टू। ये टू और ये टू न्यूमिरेटर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप उनको मल्टीप्लाई करवा लें, टू एक्स माइनस टू टेन सर ट्वेंटी प्लस टू को फोर से मल्टीप्लाई करें तो एट एक्स ग्रेटर देन एन इक्वल टू सिक्स मल्टीप्लाई बाय टू इज ट्वेल्व एक्स माइनस यहाँ सेवन रह जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपका जो प्रीवियस पार्ट्स थे उनकी तरह बन गया। अब आप इसको क्या करेंगे, इसमें जो एक्स वाली टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर 2x और 8x दोनों ऐड हो रहे हैं तो मैं इनको लिख देता हूँ डायरेक्ट 10x, ठीक है। तो 12x की जब मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो माइनस माइनस 12x हो जाएगा, ठीक है। माइनस 12x ग्रेटर देन एन इक्वल टू माइनस 7 एज इट इज, और यहाँ जो माइनस 20 है जब इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस 20 बन जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साइन माइनस के, ठीक है, तो दोनों के कॉफिशेंट्स को माइनस करेंगे, ठीक है। 12 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस 2x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 20 माइनस 7 इज प्लस 13 आ जाएगा, ठीक है। मैंने x फाइंड करना है कॉफिशेंट, यहाँ माइनस 2 है जो कि मल्टीप्लाई वाले साइड पर जब डिवाइड होगा तो ये इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगी, मीन्स चेंज हो जाएगी 13 डिवाइडेड बाय माइनस 2, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय माइनस 2। अब इसको हम सोल्यूशन सेट में कैसे लिखते हैं, सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं इसको। सोल्यूशन सेट इज x सच दैट x इज लेस आर इक्वल टू माइनस 13 बाय 2, ये इसका आंसर है माइनस 13 बाय 2। सो ये था क्वेश्चन नंबर वन का फोर्थ पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन के फिफ्थ पार्ट की तरफ। सो अभी क्वेश्चन नंबर वन का फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर वन का जो फिफ्थ पार्ट है इसमें देखें अगेन डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं हमारे पास, मींस के फ्रैक्शन में ये क्वेश्चन गिवन है और साइन प्लस या माइनस अगेन फिर हम इसका एलसीएम लेंगे। 9 और 3 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो 9 आता है, बट मैं यहाँ पर फिर भी लेकर दिखा देता हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, उनको ये जो बेसिक्स हैं ये भी सही से समझ नहीं आती, तो ये क्लियर होना चाहिए लाजमी। तो हमेशा सबसे छोटे टेबल से हम स्टार्ट करते हैं, तो 2 में तो 3 और 9 तो नहीं आते, तो मैं 3 से स्टार्ट कर देता हूँ। तो 3 वन से 3 और 3 3 टाइम्स 9 अगेन 1 एज इट इज 3 वन से 3, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आएगा। तो 9 को आपने क्या करना है, इस कंप्लीट टर्म के साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इन सब के साथ 9 को मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 9 वी गेट, जब 9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 एंड ग्रेटर देन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9। तो ये 9 डिनोमिनेटर और न्यूमिरेटर से 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है और ये 9 से कैंसिल हो गए, 3 3 दा 9 आ जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स बच गई वो मैं यहाँ पर एज इट इज लिख दूंगा, 3x माइनस 2 माइनस
अब यहाँ पर जो थ्री बचा था इसको मल्टीप्लाई वाले ना इस कंप्लीट फैक्टर के साथ, तो थ्री को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो थ्री टू सिक्स एक्स एंड बाय माइनस था तो साइन अंदर चेंज हो जाएंगे माइनस थ्री, ग्रेटर देन नाइन को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो अगेन माइनस नाइन आएगा। अब लास्ट जो क्वेश्चन थे, लास्ट जो पार्ट हमने किए थे उसमें एक्स वाली टर्म जो है हमारे पास इस साइड पर सम टाइम होती थी, तो मैंने आपसे कहा था कि इन इक्वालिटी में हमेशा आपने उसको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करना है, बट यहाँ पर ऑलरेडी लेफ्ट साइड पर ही है तो इसको हम यहाँ से ही सॉल्व कर लेते हैं, ये तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा हमारे लिए। थ्री एक्स माइनस सिक्स एक्स, बड़ी वैल्यू से साइन माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है। सिक्स एक्स में से थ्री एक्स माइनस करें तो आंसर इज माइनस थ्री एक्स। सिमिलरली टू माइनस थ्री इज माइनस वन एंड ग्रेटर देन माइनस वन, माइनस थ्री एक्स एज इट इज माइनस वन, कॉन्स्टेंट टर्म को लाइक जो टर्म्स है उसको राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो प्लस वन हो जाएगा, सो ये आ जाएगा माइनस थ्री एक्स ग्रेटर देन माइनस एट, ठीक है। अब एक्स फाइंड कर रहे हैं, ये माइनस थ्री मल्टीप्लाई वाला कॉफिशियंट वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा एट के साथ और इनइक्वालिटी अगेन जो है वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस थ्री एज ऐसे आ जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल, सो जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, एक्स इज लेस देन एट बाय थ्री, ये इसका सॉल्यूशन है, एक्स इज लेस देन एट बाय थ्री। अब आप इसको सॉल्यूशन सेट में कैसे लिखेंगे, यहां लिख लेते हैं सॉल्यूशन सेट एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन एट बाय थ्री, सो ये इसका सॉल्यूशन है। सो ये था क्वेश्चन नंबर वन का फिफ्थ पार्ट, सो ये था क्वेश्चन नंबर वन का फिफ्थ पार्ट जो कि बहुत ही इजी था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन के सिक्स पार्ट की तरफ। सो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन का सिक्स पार्ट। अब सिक्स पार्ट में देखें, सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, मींस कि ये थ्री अंदर मल्टीप्लाई और ब्रैकेट्स जितनी भी है ना इनको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो थ्री को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, थ्री को जब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोनों टर्म्स के साथ थ्री मल्टीप्लाई होगा, तो थ्री को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें सिक्स एक्स एंड थ्री को मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो थ्री, यहाँ पर माइनस वाली टर्म है, ठीक है। माइनस टू जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ना फोर एक्स और साइन अंदर चेंज हो जाएंगे प्लस है तो माइनस टेन, लेस देन यहाँ फाइव अंदर मल्टीप्लाई करवा लें फिफ्टीन एक्स एंड माइनस फाइव टू जर टेन। अब सिक्स एक्स में से फोर एक्स माइनस अगर करवा दें तो ये आ जाएगा टू एक्स, ठीक है। और थ्री माइनस टेन बड़ी वैल्यू से साइन माइनस किया तो टेन में से थ्री माइनस किया तो सेवन, लेस देन फिफ्टीन एक्स एंड माइनस टेन। अब आप ये जो जिसके साथ वेरिएबल है आपके पास जो एक्स वाली टर्म है उसको हम राइट साइड पे सॉरी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, माइनस फिफ्टीन एक्स लेस देन माइनस टेन, माइनस सेवन को जब इस साइड पे शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो प्लस सेवन आ जाएगा। अब लाइक टर्म्स जो है वो सेपरेट कर दी हमने, ठीक है। फिफ्टीन में से टू एक्स माइनस करेंगे बड़ी वैल्यू से साइन माइनस का, और फिफ्टीन में से टू माइनस करेंगे तो माइनस थर्टीन एक्स लेस देन माइनस टेन प्लस सेवन क्या होता है माइनस थ्री। अब हमने x फाइंड करना है, कॉफिशियंट जो है वो साथ ये है माइनस थर्टीन, मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे डिवाइड होगा जब माइनस वाली टर्म है तो इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगी, तो माइनस थ्री बार माइनस थर्टीन, माइनस और माइनस कैंसिल, x इज ग्रेटर देन थ्री डिवाइडेड बाय थर्टीन, तो ये इसका सॉल्यूशन है, x इज ग्रेटर देन थ्री डिवाइडेड बाय थर्टीन। अब इसको हम सॉल्यूशन सेट में कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट इज एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन थ्री ओवर थर्टीन, सो ये इसका सॉल्यूशन था, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन के सेवन पार्ट की तरफ। सो अब है क्वेश्चन नंबर वन का सेवन पार्ट, क्वेश्चन नंबर वन का सेवन पार्ट अगेन सिक्स पार्ट की तरह ही बिल्कुल, जो प्रीवियस अभी हमने किया था पार्ट बिल्कुल वैसे ही, ब्रैकेट्स हैं इनको सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे। तो थ्री को अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो ये बन जाएगा थ्री एक्स, थ्री को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस थ्री, सिमिलरली हाँ जस्ट माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस एक्स, साइन चेंज हो जाएगा प्लस टू, ग्रेटर देन माइनस टू अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस टू एक्स और माइनस टू फोर जर एट, ये थ्री एक्स और ये थ्री एक्स लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स इज टू एक्स, माइनस थ्री प्लस टू इज माइनस वन, ग्रेटर देन माइनस टू एक्स एंड माइनस एट एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो लाइक टर्म्स है आप उनको सेपरेट कर लें, टू एक्स ये माइनस टू एक्स है ये जब इस साइड पे शिफ्ट करूंगा तो ये प्लस टू एक्स बन जाएगा, ग्रेटर देन माइनस एट, माइनस वन को जब हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे सो साइन चेंज हो जाएगा प्लस वन।
अब 2x और 2x ऐड कर लें, 4x ग्रेटर देन माइनस 8 प्लस 1 इज -7। हमने x फाइंड करना है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो -7/4, -7/4 इसका सॉल्यूशन है। इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख लेते हैं। सॉल्यूशन सेट में इसको कैसे लिखेंगे, अगेन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन सेट इज एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन -7/4। ठीक है, सो ये इसका सॉल्यूशन सेट था। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट, जो कि बहुत ही इजी था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 8th पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट अगेन बहुत इजी सा है। इसमें डिनोमिनेटर्स हैं और डिनोमिनेटर से पहले आपके पास ये जो फर्स्ट टर्म है ये मिक्स नंबर यानी कि होल नंबर में गिवन है आपको ये वाली टर्म। ठीक है, तो इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्रीवियसली एक पार्ट हमने इस तरह किया था कि डिनोमिनेटर को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं और जो आंसर आता है उसको न्यूमिनेटर में ऐड कर देते हैं। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, 6 में ये 2 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8/3 यहाँ पर ये बन जाएगा एक्स प्लस 2/3 इंटू 5x-4 ग्रेटर देन -1/3 8x+7। ठीक है, ये अब आपने डिनोमिनेटर्स को यहां से एलिमिनेट करना है, खत्म करना है किसी तरह। तो वो कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर्स देखें, तमाम के तमाम जो डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं वो 3 आ रहे हैं, मींस के एलसीएम इज 3। 3 को हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। सो लिख लें आप मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3। तो बोथ साइड जब आप 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 सॉरी प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 इंटू 5x-4 ग्रेटर देन -1/3 इंटू 8x+7 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, सो अब क्या होगा, न्यूमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर वाला जो 3 है वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये कैंसिल कर दिया। अब जो रिमेनिंग टर्म्स बच गई ना वो आप यहाँ पर मेंशन कर दें, 8x प्लस यहाँ क्या रहेगा 2 इंटू 5x-4। ऐसे तो यहाँ से डायरेक्ट भी हो जाता है बट मैं एक स्टेप यहाँ पर फालतू कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, -8x+7। नेक्स्ट स्टेप इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, सो 8x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवाएं तो 10x-8 ग्रेटर देन यहाँ साइन जो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये आ जाएगा -8x एंड -7। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो लाइक टर्म्स है मींस कि जो एक्स वाली टर्म है इसको इस साइड पे शिफ्ट कर लें, जो कांस्टेंट टर्म है उनको राइट साइड पे शिफ्ट कर लें। सो 8x में 10x ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 18x और वहां से -8x में यहाँ शिफ्ट करूंगा तो +8x बन जाएगा ग्रेटर देन -7 एंड +8। 18x में 8x ऐड करें तो ये क्या बनता है, 18 में 8x ऐड करें तो ये बन जाएगा 19। अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 8x में 10x ऐड करें तो 18x बन जाता है और -8x को शिफ्ट करें तो +8x बन जाता है ग्रेटर देन -7 एंड +8। ठीक है, 18 में 8x ऐड करें तो ये 26x बन जाएगा ग्रेटर देन +-8 में से 7 माइनस किए तो 1। हमने x फाइंड करने तो 26 मल्टीप्लाई राइट साइड पे डिवाइड, सो x इज ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाय 26। सो ये इसका सॉल्यूशन है, इसको हम यहां लिख लेते हैं, सॉल्यूशन सेट इज x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1/26। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट था। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट। सो आज की इस वीडियो में हमारे क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 7.3 थी उसको जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो उसके तमाम के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो गए। आप तमाम स्टूडेंट्स हैं, आप क्या करना है, इनकी जितनी पॉसिबल हो सके उनकी प्रैक्टिस करनी है और अगर कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 मैं कवर करूंगा। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।